Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome back again. Today our topic is war system theory. This theory was introduced by Wallerstein. आज हम इस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, इसके की कॉन्सेप्ट्स और इसके आइडियाज़ को देखेंगे. अगर इसकी हम की पॉइंट्स को हम अगर देखें कि दिस थ्योरी वॉज डेवलप बाई वॉलरस्टाइन, ये वॉलरस्टाइन की डेवलप की हुई एक थ्योरी थी. इट इज़ एन अप्रोच टू दी वर्ल्ड हिस्ट्री एंड सोशल चेंज. ये एक अप्रोच है जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री को देखती है और जो सोशली चेंजेस आती है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटीज़ में, उसको देखती है कि ये सोशल जो चेंज है ये इकोनॉमिक इन टर्म्स से देखते हैं. इट डिफाइंस वर्ल्ड सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम वेयर सम कंट्रीज गेट बेनिफिट वाइल अदर्स आर एक्सप्लॉइटेड. ये जो थ्योरी है इसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा वर्ल्ड सिस्टम है जिसमें हम रह रहे हैं, उसका जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उस इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है कि कुछ कंट्रीज बेनिफिट करती हैं और बाकी जो हैं वो एक्सप्लॉइट होती हैं. दिस थ्योरी आर्ग्यूज दैट एज अ सिंगल इंडिविजुअल्स बिहेवियर कांट बी अंडरस्टूड विदाउट रेफरेंस टू देयर सराउंडिंग्स एक्सपीरियंस एंड कल्चर. सिमिलरली अ नेशंस इकोनॉमिक सिस्टम कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट रेफरेंस टू द वर्ल्ड ऑफ विच इट इज़ पार्ट. अब इस थ्योरी का आर्ग्यूमेंट ये है कि जैसे एक इंसान को, एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को, बंदा उसके मतलब सराउंडिंग, उसका एक्सपीरियंस, उसका कल्चर, उसकी आइडेंटिटी के बगैर नहीं समझ सकता, वैसे ही एक मुल्क को, एक कौम के इकोनॉमिक सिस्टम को हम उसके सिस्टम के बगैर, जिसका वो पार्ट है, जिस दुनिया का वो पार्ट है, उसके बगैर हम नहीं समझ सकते. कि एक आम सा बंदा है, उसके समझने के लिए हमें उसके समाज की, उसकी कल्चर्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, ट्रेडिशंस को देखना पड़ता है. तो एक मुल्क के इकोनॉमी हम कैसे समझ सकते हैं कि विदाउट, अगर हम किसी रेफरेंस को ना देखें, जिस क्लास से वो बिलोंग करता है उसको ना देखें. अब वालरस्टाइन की जो मतलब इकोनॉमिक सिस्टम जो उसने दिया था, उसकी थ्री लेवल्स है. उसने उसको तीन लेवल्स में डिवाइड किया था, कोर, पेरीफेरी एंड सेमी पेरीफेरी. अब जो कोर है उसमें क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू वालरस्टाइन कि दे डोमिनेट एंड एक्सप्लॉयट द पेरीफेरल कंट्रीज फॉर रॉ मटीरियल एंड लेबर, एग्जाम्पल USA एंड वेस्टर्न वर्ल्ड. अब कोर में वो मुल्क आते हैं, वो कंट्रीज आते हैं अकॉर्डिंग टू वॉलरस्टाइन, जैसे कि USA और जो कि डेवलप्ड वेस्ट है, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, वो एक्चुअली क्या करती हैं, डोमिनेट भी करती हैं और एक्सप्लॉयट भी करती हैं उन कंट्रीज को जो पेरीफेरल जोन में आते हैं. अब उसके बाद दूसरे नंबर है सेमी पेरीफेरी का. ये सेमी पेरीफेरी वो कंट्रीज है जो कि जिनके पास करेक्टरिस्टिक्स दोनों के होते हैं, कोर के भी होते हैं, सेमी पेरीफेरी के होते हैं, मतलब वो मिडिल में होते हैं, मतलब ना ही वो गरीब होते हैं ना ही वो मतलब के बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, मतलब इन बिटवीन होते हैं, जैसे कि हम सिंपली मिडिल क्लास आप कहते हैं, मिडिल क्लास कंट्रीज, जिसमें ब्राज़ील, इंडिया, अफ्रीका वगैरह. मतलब अगर हम देखें तो ये डिपेंड करते हैं, मतलब कोर पे डिपेंड करते हैं, बट एट द सेम एक्सटेंट इन पे कुछ पुअर कंट्रीज भी डिपेंड करती है, या ये भी उनको डोमिनेट करती हैं जो जो कि थर्ड वर्ल्ड में आते हैं. फिर जो थर्ड हमारा उसका जो सिस्टम का पार्ट है वो है पेरीफेरी. अब पेरीफेरी उस पार्ट में, उस इकोनॉमिक जोन में आता है जिसमें पुअर थर्ड वर्ल्ड हो, पुअर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इस जोन में आते हैं. और कंक्लूजन हम अगर देखें टू कंक्लूड, इट्स अ थ्योरी दैट पुट्स मोर फोर्स ऑन द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबल इनइक्वालिटी. इसका मतलब ये फोर्स है कि इसका एम्फेसिस है कि जो ग्लोबल इनइक्वालिटी है उसका मेन काज है सोशल स्ट्रक्चर, हमारा समाज की ऐसी मतलब एक सिस्टम के तहत वो चल रहा है कि मतलब हमारे ग्लोबल अरिना में कभी भी मतलब इक्वलिटी इसके बेसिस पे नहीं हो सकती, क्योंकि एक डोमेन बना हुआ है कोर, एक ऐसे स्फेयर में है कि वहाँ पे पेरीफेरी नहीं पहुँच सकता, और पेरीफेरी जो है कि वो मतलब अंडर सेमी पेरीफेरी भी रहता है, मतलब एक पूरा एक चेन बना हुआ है. दस इट बिलीव्स दैट द कैपिटलिस्ट सिस्टम सपोर्ट्स द रिच कंट्रीज एंड एक्सप्लॉइट द पुअर वर्ल्ड. सिंपल वर्ड्स, इट वाज अगेंस्ट कैपिटलिज्म, जैसे मतलब इन अदर वर्ड्स इट वाज इवन अगेंस्ट द मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के, जिसने कहा था कि आप कॉपी करें, आप डेवलप से हेल्प मांगें. मतलब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी के जो डेवलप है उसकी रीजन में कोई पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक सिस्टम के तरफ रहते हैं, एक समाज, एक ऐसा समाज बना हुआ है जहाँ पे मतलब जैसे कि आप एंशियंट कास्ट सिस्टम को अगर आप इंडियन देखें तो उसकी तरह मतलब एक अलग ही दुनिया है, रिच की अलग दुनिया है, मिडिल की अलग दुनिया है, पुअर की अलग दुनिया है. तो मॉडर्नाइजेशन जो थ्योरी हमने पढ़ी थी उसमें यह था कि
कोई भी इकोनॉमी सेम पैटर्न के बेसिस पे आगे जा सकती है। जैसे कि डेवलप्ड वर्ल्ड है, उन्होंने एग्रीकल्चर का रेफरेंस दिया था कि एग्रीकल्चर वगैरह से शुरुआत करके फिर वो आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन करके आगे जा सकते हैं और फिर डेवलप्ड कंट्री से हेल्प भी ले सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू वॉलरस्टाइन ये इम्पॉसिबल है। हमारा जो स्पेशली उसने बोला था कि इस सिस्टम में नहीं हो सकता।